स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मोर मर्सीफुल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने अपने जो परचेजेज और सेल्स के अकाउंट्स हमने कैसे बनानी है, और उसमें हम देखें कि हमने अपने इन्वेंट्रीज के अकाउंट्स हमने कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है हम अपनी जो इन्वेंट्रीज है वो हम इफेक्टिव तरीके से मेंटेन कर सकें। तो उसमें हम देखेंगे कि हमने टेली अकाउंट सॉफ्टवेयर में अपनी इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना है, उसकी जो आइटम्स हैं उनकी हमने कैसे सिलेक्शन करनी है, और हमने कैसे उसका सेटअप हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास हम जो गेटवे ऑफ टैली वाला मैंने यूज़ करते हुए मास्टर कैप्चर यूज़ करते हुए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में के मेन्यू में जाकर ये तो हम सेटिंग कर सकते हैं। इसकी इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के मेन्यू में हमारे पास तीन ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे कि स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स और यूनिट्स ऑफ मेजर्स। इसे हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजर से का मतलब है कि आपके जो बिजनेस में उसमें इन्वेंट्री को मामले तोड़ने का उसमें मतलब क्या आपका जो मेजरमेंट आपने रखा हुआ है इसमें, कि आपको उस चीज़ मतलब केजी में परचेज कर रहे हैं या फिर आप मतलब यूनिट्स में परचेज कर रहे हैं या फिर पीसेज में परचेज कर रहे हैं या फिर आप जो इसके मतलब मन में परचेज कर रहे हैं। तो इसका जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा वो आप मतलब जैसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि हमने किस तरह करना है। इसमें हमारे पास जैसे हमने के हमारे पास यूनिट्स के ऑप्शन हो इसमें हमने क्रिएट पे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा सिंबल के हमारे जो यूनिट्स का हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है, हमारे पास जो मेजरमेंट का सिंबल क्या है। तो जैसे केजी में आप कुछ लोग तो केजी रख सकते हैं, जैसे कुछ पीसेस में करते हैं तो पीसेस रहते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल का बिजनेस है और हम पीसेस में परचेज करते हैं तो हम इसका पी सी इसका जो शॉर्ट नेम होगा वो हम रख लेंगे पी सी ऐसा, हम इसका शॉर्ट नाम हमने रख दिया। उसके बाद इसका फॉर्मल नेम है वो हम रखेंगे अरोड़ा लिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस के आपके इसमें ये कि आपका जो डेसिमल नंबर होगा वो आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस में क्योंकि हम पार्ट्स में इन्वर्टर नहीं परचेज करें इसलिए हम इसका कोई भी इसको हम जीरो रहने देंगे, इसका हम कोई भी डेसिमल जो प्लेस होगा वो हम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कि जैसे कोई वीट का बिजनेस कर रहा हो तो वो अगर साढ़े चार मान आप गन्ना खरीदते हैं तो आप 4.5 पड़ेंगे तो आप इसे पार्ट्स को ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास क्योंकि पीसेस में हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम पार्ट्स में नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट था वो हमारे पास इसका डिसाइड हो गया हुआ है, हमने रख लिया हुआ है। और उसके बाद हम बैक जाते हुए हम इसमें यूनिट्स जो स्टॉक आइटम्स होगी उनको हम करेंगे कि हमने स्टॉक आइटम को हमने किस तरह से अपना उसका हमने सेटअप बनाना है। तो स्टॉक आइटम के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इधर क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हमारे पास सीनिया नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का हम इधर नाम लिखेंगे और उसका हमने सेटअप बनाना है एक प्रोडक्ट का। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास है नोकिया थ्री होता है, उसकी परचेजिंग सेल का हम काम कर रहे हैं तो हमने वो रखा। उसके बाद हम इसका जो प्राइमरी के मतलब किसकी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको हम प्राइमरी ही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास है कि यूनिट्स आपके पास कौन सा था तो वो हम इधर यूनिट्स पीसेस में रखा हुआ था, हम इधर से पीसेस को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारा न्यूली बिजनेस है तो अभी हमने इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है तो हम इसलिए इसका कुछ भी नहीं रखेंगे और उसके हमने एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम्स सब उसकी परचेजिंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं तो इधर हमारे पास के फॉर एग्जाम्पल दूसरी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है सैमसंग 3456 3456 हमारे पास सैमसंग की आइटम्स है तो उसका हमने नाम लिखा। उसके बाद हम इसका भी प्राइमरी जो वो हम इसको इसका जो ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप है उसको हम मतलब ग्रुप है जो इसका जिसके अंडर ही आ रहा है तो मतलब इसको प्राइमरी करके हम एंटर करके इसको प्राइमरी रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास जो जो से पीसी था इसका भी हमने वही पीसी सेलेक्ट कर लिया, इसका भी हमारे पास कंपनी बैलेंस कुछ भी नहीं था तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों इधर हमने क्या किया कि हमने इन्वेंट्री हमने कैसे मेंटेन करना है अपने कैसे हमने अकाउंट्स बनाए थे तो हमारे पास इधर हमने रखा कि हमने दो हमारे पास दो आइटम्स हैं जिनको हम परचेजिंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं बिजनेस में। तो अगर हम बाद में किसी ज़्यादा बिजनेस अगर हम बाद में ये करते हैं कि अगर हमारे पास अब सिर्फ हम दो आइटम परचेजिंग और सेलिंग का काम कर रहे थे लेकिन नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है हम अपनी कैटेगरीज को बढ़ा दें तो वैसे वैसे आप मतलब इसमें अपने अकाउंट्स मतलब एंटर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो आइटम्स होती है वो एंटर करते जाएंगे। इसमें हमने सीखा कि हम अपने इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना है।